चढ़ायो अच्छा गजमुख को चोंदित लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को जय देव जय नमस्कार। आप हैं IBN 7 के साथ, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। गणपति बप्पा की विदाई का वक्त आ गया है। आज 11 दिन के गणपति का विसर्जन हो रहा है। बप्पा के भक्त भारी मन से उन्हें आज विदाई दे रहे हैं। मुंबई में होने वाले गणपति विसर्जन के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। गणपति विसर्जन में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सड़कों और चौपाटियों पर पुलिस मुस्तैद है। आज बप्पा के विसर्जन के लिए मुंबई की सड़कों और चौपाटियों पर करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। खुफिया विभाग ने इस दौरान आतंकी हमले की आशंका जताई थी, जिसे लेकर मुंबई में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विसर्जन के दौरान मुंबई में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर मुंबई के अलग अलग हिस्सों से, जब यहाँ पे गणपति की ये यात्रा निकलेगी उनकी विदाई के लिए, उनके हजारों हजार की संख्या में जब उनके भक्त उनके साथ बप्पा को अलविदा कहते हुए आज मुंबई की सड़कों पर नजर आएंगे। गणेश विसर्जन के दौरान खतरे को देखते हुए भी लोगों से भी सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा गया है। तो आज सुबह मुंबई में लालबाग के राजा की आरती की गई, जहां बप्पा के श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचकर बप्पा को विदाई दे रहे हैं। बप्पा के भक्त भारी मन से बप्पा को शाही विदाई दे रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर बप्पा के भक्तों की ये भीड़ की तस्वीरें आप देखिए। और लालबाग से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य। तो गिरगांव से रोहन कदम हमारे साथ हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे दिनेश, मुंबई में सबसे आखिरी विदाई जो होती है वो लालबाग के राजा की ही होती है, तो फिलहाल हम समझ सकते हैं कि थोड़ा समय होगा उनके विसर्जन का। लालबाग के राजा की आरती अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली। मैं आपको दिखा दूं कि लगभग लालबाग के राजा के आरती की तैयारियां पूरी हो चुकी है। हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंच चुके। आप दूसरे में देखते हैं किस तरह से आखिरी विदाई जो है नम आंखों से आज लालबाग के राजा को विदाई दी जाएगी। और आखिरी विदाई देने के लिए न सिर्फ लालबाग बल्कि मुंबई के आसपास के इलाके के हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही आरती शुरू होगी वो अपने बापा का गुणगान करेंगे और आज नाचते गाते हुए बापा को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। ये भक्त जो यहाँ पर लगातार जो है भाविक पल जरूर इनके लिए रहेगा, लेकिन फिर भी एक पल रहता है जिसका इंतजार इन्हें साल भर रहता है। 10 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद आज जब लालबाग के राजा जा रहे तब ये हंसते गाते हुए जो अपने लालबाग के राजा को विदाई दे रही है। और ये नजारा सिर्फ किसी जगह का नहीं है बल्कि मुंबई में हर तरह से जो भक्त है वो अपने प्यारे बापा को विदाई देंगे। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, आपसे आगे भी बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गिरगांव से रोहन कदम हमारे साथ हैं। जाहिर तौर पे रोहन, ये भावभीनी विदाई होती है बप्पा को, क्योंकि सभी को इंतजार होता है कि जल्दी बप्पा अगले बरस आ जाएं। तो आज अगर हम समूचे मुंबई, महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों की बात करें तो गणपति बप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया। तैयारियां तो एक दो दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो यहाँ के आने वाले जो मेन रास्ते हैं उसको दो तरीकों से उसको डिवाइड किया गया है, ताकि एक जगह से छोटे गणपति आ सके, दूसरे रास्ते से बड़े गणपति आ सके। और निजी वाहनों के लिए भी यहाँ पे रास्ता रखा है ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात बताना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे ऐसा किया है कि जहाँ पे गणपति विसर्जन करने आते हैं उस जगह से 200 मीटर दूर और फिर 100 मीटर दूर वहाँ पे वो खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से गणेश जी को ले जाया जाए, कहाँ पे रुकाया जाए।
उसके सिवा यहाँ पे मुंबई महापालिका का मंच है, वहाँ से वो देख रहे हैं उनके अधिकारी कर्मचारी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं। जैसे आपने पहले कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आतंकी हमला होने की आशंका थी, ऐसा कुछ ना हो इसके लिए मुंबई पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स भी है। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस सुबह के जब दोपहर के बाद भीड़ बढ़ेगी, ये दक्षिण मुंबई की गिरगांव चौपाटी पूरी तैयारी से विसर्जन के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों से, लालबाग की तस्वीरें और गिरगांव चौपाटी की भी तस्वीरें, जहां पे अभी जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो भीड़ काफी बढ़ती जाएगी। दिनेश, यहां पे सुरक्षा का हाल हमें रोहन बता रहे थे, आपसे भी जानना चाहेंगे, पहले से ही कई तैयारियां हो जाती हैं, समुद्र के किनारे लाइफ कोस्ट गार्ड्स को तैनात कर दिया जाता है, कोई भी आतंकी हमला या किसी भी तरह की भगदड़ ना बचे, महिलाएं अपने आप को इस भीड़ में सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए भी बड़ी तैनाती कर दी जाती है, क्या इन्फॉर्मेशन और इनपुट्स आपके पास यहाँ पर पुलिस की तरफ से, फोर्सेज की तरफ से? देखिए, करीब 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, भगदड़ जैसी स्थिति न मचे इसको लेकर खास तरह के इंतजाम किए। मैं अगर खास तौर पर लालबाग की बात करूं तो यहाँ पर करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु आने वाले। मैं आपको फिर भी दिखा दूं यहाँ पर कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये श्रद्धालु यहाँ पर रहते हैं, जो पूजा अर्चना करते। अगर आप मेरी दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु लाइन से खड़े हैं, और ये जो इन्हें इंस्ट्रक्शन पुलिस के द्वारा, बीएमसी प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है उसका पालन ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जब सड़कों पर रहेंगे, बहुत मुश्किल चुनौती जरूर है बीएमसी के लिए, पुलिस के लिए, लेकिन लोगों का सहयोग अब तक इतने वर्षों से पुलिस को, प्रशासन को यही उम्मीद है कि लोगों को वो जो अपील कर रहे हैं जो नियम है उसका वो तोड़ेंगे नहीं, और किस तरह की बिना अनहोनी घटना पर्व है, बाबा को जो विदाई देने का पर्व है आज जो दिन है वो सुखरुप्त हो जाए। एक बार बता दो आपको, लालबाग के राजा की आरती शुरू हो चुकी है, आप दृश्यों में देख सकते किस तरह से यहाँ पर जो है तमाम जो श्रद्धालु है वो आरती के जरिए बाबा को विदाई दे रहे हैं, 10 दिन से लगातार विदाई करते। आज मैं आपको चाहूंगा, अपने कैमरा में चाहूंगा कि वो लगातार ये दृश्य हमारे दर्शकों के लिए दिखाते रहे।
यहाँ पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं लालबाग के राजा की आरती की, और यहाँ पर अब सभी भक्तजन कुछ ही देर में विदाई देंगे अपने गणपति बप्पा को और अगले बरस जल्दी आए इस कामना के साथ। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम भी रहते हैं एक ब्रेक, लेकिन लगातार IBN 7 पर ये कवरेज जारी रहेगी। गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, इसी कामना के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों हजार की भीड़ में यहाँ पर बप्पा के श्रद्धालु, लालबाग के राजा के श्रद्धालु अभी मौजूद। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको IBN 7 पर दिखाई लालबाग के राजा की आरती भी, और हर कोई यहाँ पे बप्पा को विदा करने के लिए और अपनी कामना साथ लिए बप्पा के दर्शन, बप्पा के दरबार में पहुंच रहा है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12:06 तक बताया गया है कि विसर्जन का समय है, क्योंकि उसके बाद श्राद्ध पक्ष भी लग जाएगा, जिसके चलते भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि सुबह के समय में थोड़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चतुर्दशी के समय के अंदर अंदर ही विसर्जन करना चाहेगा। तो गणपति के विसर्जन के लिए खास तैयारियां यहां पे प्रशासन और पुलिस की तरफ से भी की गई हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 लाख से भी ज़्यादा लोग आ सकते हैं विसर्जन में। आपको बता दें आज के खास दिन मुंबई में तमाम रूट्स डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, कई सड़कों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़ते हैं विसर्जन के लिए कि चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करने की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, काफ़ी चौकस रहना पड़ता है पुलिस प्रशासन को। आपको बता दें ड्रोन कैमरों की मदद से भी निगरानी रखी जाएगी, लाइफ गार्ड्स हमेशा की तरह तैनात कर दिए जाते हैं समुद्र के तटों पर, और यहाँ पे कोशिश यही होती है कि हर कोई अपने बप्पा को शांतिपूर्ण तरीके से विदा कर सके। लालबाग के राजा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, हर कोई अपने बप्पा को अपनी कामना लेकर उनको विदा करने के लिए जुटा हुआ, और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा।